ये मीठा पराठा बच्चों को भी बेहद पसंद आता है, तो आप इसको एज अ कुकी एक कंटेनर में 2-4 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं और चाय के साथ खा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे मीठा पराठा ड्राई फ्रूट की स्टफिंग के साथ। आप लोगों ने कई तरह के पराठे खाए होंगे, आलू के पराठे खाए होंगे, गोभी के पराठे खाए होंगे, लेकिन आज आप खाइएगा मीठा पराठा। और सबसे मजे की बात कि ये मीठा पराठा बच्चों को बेहद पसंद आएगा, तो आप भी खाइएगा और उनको भी बना के खिलाइएगा। तो चलते हैं किचन की तरफ और स्टार्ट करते हैं। मीठा पराठा बनाने के लिए हमें इन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। ये बादाम है, किशमिश है, चीनी है, ये घिसा हुआ नारियल है, डेसिकेटेड नारियल जिसको बोलते हैं, और ये है अखरोट के दाने, काजू है, देसी घी जाएगा इसमें, और ये एक कटोरी मैंने दूध लिया है, और ये है आटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीठा पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूंद लेते हैं। तो ये मैंने 6-7 चम्मच जो है देसी घी के डाले हैं। अब देसी घी को डालने के बाद मैं इसको धीरे धीरे जो है ना मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद जो है ना ध्यान रहे कि आटा बहुत ज़्यादा टाइट नहीं गूंदना है हमको, और बहुत ज़्यादा ढीला नहीं गूंदना है। अब मैं इसमें 1 कप दूध डाल देती हूँ, और दूध डाल के जो है जितना 1 कप दूध डाला था मैंने, उतना ही 1 कप मैं इसमें पानी डाल दूंगी, और पानी डाल के मैं इसको गूंद लूंगी, और गूंद के 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दूंगी। इन ड्राई फ्रूट को अब हम मिक्सी में के जार में डाल के और इसको दरदरा पीस लेते हैं। किशमिश हम नहीं पीसेंगे, किशमिश को हम ऊपर से डालेंगे। ये हमने पीस लिया है। इसमें ये जो बादाम है इसको हमें ऐसे दरदरा पीसना है, और ये जो बादाम है ये पीसे, जो बादाम अगर पीसे नहीं होंगे तो उनको चक्कू से लेके काट लीजिएगा, ऐसे ऊपर मोटा मोटा काट लीजिए। कि हमें ऐसे ही चाहिए तरतरा। चलिए अब हम एक बाउल में इन सब चीजों को मिक्स कर लेते हैं। ये दरदरे पिसे हुए हमारे ड्राई फ्रूट हो गए। इसमें हम ये 1 कटोरी चीनी ऐड कर देते हैं, इसको मिक्स करते जाएंगे। ये डेसिकेटेड नारियल है, इसको ऐड कर देते हैं। नारियल आप ज्यादा ही लीजिए, नारियल का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा है, और इनको आप ऐसे मिक्स कर दीजिए। किशमिश हम नहीं डालेंगे इसमें, किशमिश को हम ऊपर से ऐड करेंगे। चलिए हम आटा चेक कर लेते हैं। 10 मिनट हो गए हमें आटे को रखे हुए, इसको एक बार और ऐसे हाथ से गूंद लेते हैं। चलिए अब हम इधर गैस स्टार्ट करते हैं। इसको पहले ऐसे डार्क कर लेते हैं
पहले हम इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं पेड़े को और इसको एक साइड रख देते हैं। इसको आप उतनी ही बड़ी बेलेंगे जितनी बड़ी हमने पहले रोटी बेली थी। इसको हमने उसी साइज में बेल। अब हमने ये ली है किशमिश थोड़ी सी, इसको हम ऐसे फैला देंगे चारों तरफ। ये ड्राई फ्रूट लिए हैं जो हमने पीसे थे, उसको हम फैला देंगे। साइड हम छोड़ देंगे क्योंकि साइड हमें चिपकानी है। अब हम इसमें थोड़ी सी ये चीनी ऊपर से ऐड कर लेंगे। चीनी जितनी होगी उतनी उतना ही अच्छा पराठा बनेगा। अब हम इसकी ये दूसरी लेयर भी इसी के ऊपर चिपका देते हैं। और ये हाथ के प्रेशर से इसको दबाते रहेंगे और ये थोड़ा सा हम इसमें मैदा छिड़कते रहेंगे। और हम इसको ना बेलेंगे भी तो इसको हम प्रेशर से बेलेंगे। थोड़ी सी चीनी हम इसको ऊपर से लगा देते हैं। और इसको हम और बेल देते हैं क्योंकि ये जो चीनी है जब ये कैरमलाइज होगी ना देसी घी के साथ तो ये बहुत अच्छी लगेगी। ये चीनी ऊपर आ रही है ना, ये चीनी ऊपर आ जाएगी। इस तरीके से बेलिएगा कि ये चीनी ऊपर आ जाए। अब हम गैस को थोड़ी तेज करते हैं और फिर से हम डो लेते हैं। इसको दो तरीके से हम बना सकते हैं, एक तो हम ऐसे डबल लेयर से बना सकते हैं और दूसरा एक ही हम सिंगल लेयर करके इसको बनाएंगे। बस इसको बेल लीजिए और इसमें हम पहले ये थोड़ी सी किशमिश डाल देंगे, फिर इसमें हम ये स्टफिंग भरेंगे पिसी हुई ड्राई फ्रूट की और इसको हम सील कर देंगे। इस तरीके से इसको हम सील करके और इसके इसको हम हाथ के प्रेशर से दबाते रहेंगे। और इसको भी हम प्रेशर देते हुए बेलते रहेंगे। चीनी जितनी बाहर आएगी पराठा हमारा उतना ही अच्छा बनेगा। अब हम इसको देख लेते हैं, ये हमारा सिक रहा है। गैस हम तेज कर देते हैं और इसमें हम देसी घी लगा देंगे। देसी घी लगा के हम एक चम्मच से इसको ऐसे छेद कर लेंगे ताकि देसी घी अंदर तक चला जाए। इसको बहुत अच्छे तरीके से चारों तरफ से आप इसको छेद कर लेंगे। अब हम इसको पलट लेते हैं लगाएंगे। अब हम दूसरी तरफ घी लगाएंगे। घी आपको भर भर के लगाइएगा।
इसके चारों तरफ से इस तरीके से दबाती सीखी हूँ। अब हम इसको उस पलट देंगे, थोड़ा सा सिकता है तो हम इसको पलट देंगे, गैस धीमी कर देंगे। ये देखिए, ये चीनी ऐसे आती है ना बाहर, ये कैरमलाइज हो जाती है जब ये देसी घी के साथ, ये तो ये बहुत टेस्टी पराठा लगता है। ये देखिए कितने अच्छे पराठे बने हैं। चलिए अब हम आपको इसको सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए ये पराठे तैयार हैं। आप इसको ऐसे रोल करके बच्चों को दे सकते हैं खाने के लिए। आप मेरे चैनल को देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।